क्या, और मेरे को मिल चुकी है टिकट की, मेरे पास है क्या क्या, और आपने भी यही यही लाना है जब कनाडा आना है। तो आज कल हो गए वहां से यहाँ तक आओगे, टूट सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी वंडर सोल्स। और शुरुआत हो चुकी है फिर से एक नए दिन की, मस्त दिन की। और अभी मैं वहां पर हूँ जहाँ पर मेरे को रोज होना होता है, एक्सेप्ट वीकेंड्स। वीकेंड्स में भी अब तो बिकॉज असाइनमेंट्स होते हैं इसलिए, और मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मेरे को अपने लैपटॉप यूज़ नहीं करना पड़ रहा। तो यूनिवर्सिटी में हूँ और आज हो चुकी है दोनों क्लासेस ख़त्म, और आज मेरी शिफ्ट भी नहीं है, कल थी और अब कल है। और अभी मेरे को जाना है इंटरनेशनल बिल्डिंग में सैलमन के टिकट लेने, बिकॉज हमारा जो लीव डेस्क है ना, वो कोई ना कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करता है हर वीकेंड। अगर आपने उसमें जाना है तो आप जाके वहाँ से टिकट ले सकते हो। और सैलमन कनाडा का बहुत बड़ा इवेंट होता है, आई विल लेट यू नो कि होता क्या है, पहले जाके टिकट ले आओ, बिकॉज ज़्यादा नहीं बची और फिर मिलेगी नहीं तो पोपट हो जाएगा। डेस्क है इंटरनेशनल बिल्डिंग में ही, हमारी इंटरनेशनल बिल्डिंग है, चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर सबवे भी है, यहाँ से खा सकते हो, एटीएम भी है, और बोरा सामने लीव डेस्क, ये देखो। गाइस, आई एम आउट ऑफ बिल्डिंग नाउ, आई बी और बैक टू होम, ठीक है। और मेरे को मिल चुकी है टिकट, किस्मत अच्छी थी टिकट मिल गई, बिकॉज इसके इनके पास सिर्फ 3 टिकटें बची थी, ठीक है। और मेरे सामने आ गए 2 लोग और, तो हम तीनों की मिली लास्ट। मतलब यहाँ पर ना टिकट ऐसे हाथ में नहीं देते, ठीक है, बस ये आपसे एक स्कैनर सा देंगे, उसको स्कैन करो, उसके अंदर अपनी डिटेल्स डालो फॉर्म के अंदर, फिर उसके बाद ही आपको ईमेल करते हैं टिकट, तो वो मेरे पास आ जाएगी आज आफ्टरनून तक, ऐसा इन्होंने बोला है, आ जाती है। आर्मस्ट्रांग फेयर की भी आ गई थी। और ना पता ही है ना, लीव डेस्क जो है हमारा, ये कैश ही लेता है सिर्फ, नो कार्ड्स, नो यूपीआईस, नथिंग एल्स। तो भाई कैश लेके आना इनके से कभी भी टिकट लेनी हो ना। और अगर आपके पास कैश ना हो तो वैसे एटीएम है अंदर आई बी से, वहीं से निकाल लेना, पर कोशिश करना कि बाहर से ही लेके आओ, बिकॉज ये ना 10 सेंट एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उसके कैश निकालने के लिए। और फिर और ये कैश के बिना पेमेंट नहीं लेते, पर मिल गई टिकट, अब मजा आएगा सैलमन रन में। तो भाई सैलमन रन होता है क्या, ये ना फिशेज होती है, ठीक है, आगे सिल्वर पीछे रेड कलर की, जब छोटी होती तो पूरी सिल्वर सी होती है, बाद में बड़ी बड़ी होती है रेड आ जाती है। तो जहाँ पर ये पैदा होती है ना, एडम्स रिवर, यहाँ कामरूप्स यहीं पर होते हैं एडम रिवर में, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं ये ओशियन में, फिर ओशियन में ही रहते हैं, फिर जब ये बड़े जाते हैं ना, फिर वापसी आते हैं जहाँ पर ये पैदा होते हैं, वहीं पर स्पॉन करने के लिए, ठीक है। और ना हर साल आते हैं वैसे तो वापस, लाइक एंड ऑफ सितंबर से मिड ऑफ अक्टूबर तक, बिकॉज ये फॉल सीजन होता है, तो इनका इनके लिए बेटर सीजन होता है आने के लिए वापसी, ठीक है, जैसे माइग्रेशन होती है ना वैसे होते हैं। फिर उसके बाद लाइक हर साल आते तो है वापस, पर हर जो फोर्थ ईयर होता है ना वो डोमिनेंट सीज़न होता है, और ये वाला डोमिनेंट सीज़न है। तो इस बार है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा फिशेज वापस आएंगी, और पूरा जो एरिया है वहाँ का पूरा रेड रेड दिखेगा, पूरी मछलियाँ ही मछलियाँ दिखेंगी, और फिशिंग वगैरह सब रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज इनको गवर्नमेंट को कंजर्व करना है, तो कोई उनको छेड़ेगा नहीं, कुछ कर सकता नहीं है, बस देखना है और इन्जॉय करना है, नेचर नेचर वॉक टाइप है ऐसा ही है। देखते हैं बाकी तो कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, बस ज़्यादा मछलियाँ आए ताकि देखने में मज़ा आए उनकी एक्टिविटीज़। गाइस अभी मैं हूँ घर पे, और अब ना मेरे को मतलब करना है ना घर चेंज, बिकॉज 2 दिन बचे हैं बस, तो वो वाला रूम खाली हो चुका है जहाँ पर मेरे को जाना है। तो मेरे को फिर उन्होंने कह दिया कि आके अपना सामान सामून रख दो इधर, तो मैंने अटैची तो खाली करी नहीं थी बर्तन वाली, मतलब जो मेरा सूट केस था वो फुल भरा हुआ है, और वहाँ पर जाके अपने मतलब 2 दिन के कपड़े छोड़ के बाकी कपड़े और बर्तन सेट करा दो, ठीक है। देखो ये ऐसी थी मेरी अटैची, सारे मेरे यूटेंसिल्स पड़ रखे हैं इस वाली सूट केस में। अब आगे देखते रहना इसको अनपैक करते हुए ना, आई विल शो यू कि मेरे पास है क्या क्या, और आपने भी यही यही लाना है जब कैनेडा आना है तो, और यही वाला क्वालिटी का। मेक श्योर जो भी आप लेके जाओगे वो सब ऐसे होने चाहिए बैक साइड, जो कि इंडक्शन के ऊपर फूले ना, तो ये सॉस पैन जरूर होना चाहिए, बिकॉज कभी मैगी वैगी बनाते हैं चाय के लिए, कॉफी के लिए, सिंगल बंदे के लिए इतना काफी है। और इसके अलावा हमें क्या और दूसरी चीज नेसेसरी रहेगी जब हम नेसेसरी रहेगी जब हम लेके जाएंगे, एक ये जो रोलिंग पिन है, ये वाला गाइस देखो मार्बल का है, पर ये बहुत लाइट वेट है, ये आपको वो नहीं करेगा लाइक लगेज में ज्यादा बर्डन नहीं देगा, और इजी मतलब बहुत हैंडी है, तो ये भी बेस्ट है, मैंने तो इसलिए यही वाला लिया है बिकॉज ये सही है। और इसका जो रोलिंग पिन है वो कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल वुडन में लिया है। एंड ये प्रेशर कुकर,
जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी रहेगा हर चीज़ के लिए। इसमें आप कुछ भी दाल बनाओ, खिचड़ी बनाओ, छोटा वाला ही लेना, लाइक 3 kg वाला, बिकॉज सिंगल बंदे के लिए या दो बंदों के लिए इसमें खाना आसानी से बन जाता है और बैगेज में भी ज़्यादा लोड नहीं होगा। और आप ये भी लेके जाना, ये है तड़के वड़के मारने वाला पैन। देखो मेरे सारी चीज के नीचे ये है, बिकॉज ये इंडक्शन पे फूलेगा नहीं। और मेक श्योर जो आप ऊपर वाला ढक्कन लो ना, वो स्टील का लेना, क्योंकि कांच का लोगे वहां से यहाँ तक आओगे टूट सकता है। तो ये सही है, ये भी छोटा ही है, एक दो बंदे का खाने इसमें आराम से बन जाएगा। ये हमारा तवा रोटी वोटी बनाने के लिए, पैन, आमलेट भी बन सकता है इस पे। वैसे आमलेट हम इस वाले उसमें बना सकते हैं जो तड़के वाला है, वो तो अपने अपने पे डिपेंड करता है। ये है हांडी भाई, ये भी लेके जानी है, बिकॉज इसमें आप अच्छे खासे, जैसे अगर कुछ भी सब्जी वब्जी बनानी है तो अच्छे खासे से बन सकती है। और इसका भी देख लो बैक, वैसे ही है जो इंडक्शन के ऊपर फूले ना, आगे से कुछ ही ऐसी दिखती है। एंड इसका भी मेरा टॉप वाला स्टील का ही है, बिकॉज कांच के मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि फ्लाइट में टूट जाए, यहाँ पर मैं रखूँ टूट जाए इसलिए। एंड ये है कढ़ाई, इसका भी देखो सेम स्टील का है, ऊपर से कुछ ऐसी है और बैक से सेम वैसी, ताकि ये फूले ना। सारे बर्तन ऐसे ही लेने हैं ताकि लॉन्ग टर्म चले, कम से कम 2-3 साल तो चले ना, अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो अच्छी अच्छी चलनी चाहिए, अदरवाइज आप वहां से इधर लाओगे और वो खराब। और अब ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स, एक तो ये ग्रेटर, मतलब ऐसा लेना है कि सारी चीज हो जाए, जैसे इसमें चारों तरफ से है, ये देखो यहाँ से आपको लंबी स्लाइसेस काटनी है लंबी काट लो, ये पूरा ग्रेट करने के लिए, और ये जैसे थोड़ा ज्यादा बारीक बारीक करना है, और ये थोड़े मोटे मोटे के लिए। तो ऐसा लेना कि आपको एक ही ग्रेटर में सारी वो मिल जाए। एंड अब एक और चीज़ जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन्वेंशन, मेरे को तो ऐसा लगता है किचन का, कि इसमें आप ये देखो ये वाला, इसमें प्याज व्याज काट लो, अंडा, मतलब अगर आप ऑमलेट खाते हो तो इसमें एग भी हो जाता है, ऐसे इसको रख के बस हमने खींचना है, ऐसे ऐसे सब कुछ कट जाएगा। पर इसको मेक श्योर कि आराम आराम से खींचना, वरना 2-3 दिन में टूट जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें लाइक एक चिमटा ले लो, ठीक है, और अपना रोलिंग पिन तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये लैडल हो गई, कड़छी हो गई, चायदानी हो गई, एक और ये मिक्स विक्स करने के लिए, ये चावल वाली जो होती है वो चावल निकलते हैं जिससे, एंड ये पलटने के लिए नहीं होता है ऐसे ऐसे करके वो स्पून्स, और ये हमारे फोक्स बस, और ये सबसे नीचे परात है आटा वाटा गूंदने के लिए, बस यही सामान है मेरे किचन का। बाकी एक बोतल भी है, ये मैंने रख ली थी, लाइक पैसे तो ये वहाँ भी मिल जाएगी, इसका ऐसा सच कुछ है नहीं, पर मैंने रख ली थी। तो बस यही है सारे यूटेंसिल्स। गाइस और ये कंफर्ट है, लाइक ये ना कंबल का काम करता है, मतलब यहाँ ना हीटर्स वगैरह चल रहे होते हैं तो ये अच्छे से आपको मतलब वार्म ही रखेगा इसके अंदर। और ये ना 3-in-1 वाला है, इसमें आपके पिलो कवर्स भी है, बेडशीट भी है, ऊपर कंफर्ट ब्लैंकेट जो होता है वो भी है। और मैंने मतलब और भी रखी थी ये इनिशियल डेज के लिए, एक तो मेरी मतलब ऐसी थी कुछ कॉटन वाली रखी थी मैंने, बिकॉज मेरे को कॉटन सूट करता है, बाकी वो आपके ऊपर है। और एक कुछ ऐसी दिख रही थी, ये ऐसी है ये, और मैंने ज़्यादा नहीं रखी थी बिकॉज एक्सेस बैगेज ना हो। ओके गाइस, फिर यही था मेरे पास सारा किचन का सामान, मैंने आपको दिखा दिया, शिफ्ट करते करते सामान टिकाते टिकाते मेरे को वो तो हो गई भाई टायर्डनेस, पर कोई बात नहीं, करने तो था ही, ठीक है। अब आगे देखते रहना, ग्रोसरी व्रोसरी सारा कुछ दिखाएगी आपको, क्या क्या करना पड़ रहा है अकेले रहने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, कोई कैनेडा आ रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, उसको पता लग जाएंगे कौन कौन से बर्तन लेने हैं, शॉपिंग यही नहीं खत्म होती। चलो बाय बाय, टेक केयर।